हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हकीम सबील शेख और आज का हमारा सफ़र है गिरगांव चौपाटी। ये गिरगांव चौपाटी चरनी रोड में है और आज अभी आप देख रहे हो मैं इस वक्त मौजूद हूं चरनी रोड गिरगांव चौपाटी। कल के सीरियल में हम गए थे बूट हाउस कमला नेहरू पार्क, लेकिन आज समय कम होने के कारण कल हम लोग चौपाटी नहीं जा सके, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा चौपाटी का व्यूज़, चौपाटी का सीन। चौपाटी आप घूमिए मेरे साथ, तो बने रहिए आप मेरे साथ में और देखते रहिए चौपाटी। दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं मेरे पीछे चौपाटी का व्यूज़ है। मैं थोड़ा सा टर्न करके आपको दिखा देता हूं राउंड में 365 एंगल में कि चौपाटी का सीन किस तरीके से है, और स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ में। देखिए किस तरीके से बच्चे मेरे पीछे खेल रहे हैं चौपाटी में रेत से, और आप पीछे देखोगे बहुत बड़ा समुंदर है। मज़ा लीजिए गिरगांव चौपाटी का नज़ारे का, जो कि मैं आपके सामने हूँ और मैं भी घूमता रहूँगा और आप भी घूमिए मेरे साथ में गिरगांव चौपाटी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पानी का व्यूज़ है, और पूरा दूर तक आप जहां तक भी देख सकते हो आपको समुंदर ही समुंदर नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप चौपाटी का व्यूज़। तो अभी आप देख रहे हैं मैं इस वक्त चौपाटी पे मौजूद हूँ और बैक कैमरे से आप चौपाटी का नज़ारा देख रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे समुंदर है, और ये दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाएगी तो आप देख सकते हैं कि आगे दूर तक आपको समुंदर नज़र आएगा। और देखते रहिए और मज़ा लीजिए घर बैठे आप मेरे साथ में गिरगांव चौपाटी का। देखिए अभी पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है, और आप देख सकते हैं पानी किस तरीके से तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं, पानी का आनंद ले रहे हैं, पानी का मज़ा ले रहे हैं, और आप भी इसी तरीके से यहाँ पे आके समुंदर का मज़ा ले सकते हैं, पानी का मज़ा ले सकते हैं, बच्चों के साथ में आप इंजॉय कर सकते हैं। दूर तक आप देखिए मेरे आगे, दूर तक आपको समुंदर की समुंदर आपको नज़र आएगा। और कल हम लोग गए थे झूठा पार्क, जू पार्क में जहाँ पे कमला नेहरू पार्क था, झूठ हाउस था, लेकिन आज हम हैं गिरगांव चौपाटी में।
देखो बच्चे लोग पानी का कैसे मज़ा ले रहे हैं, समुंदर के अंदर पानी में नहा रहे हैं और समुंदर के अंदर में एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों को देखने के लिए लाइफ गार्ड भी होते हैं जो बच्चों पे नज़र रखते हैं, या कोई पानी में नहाता है तो उस पर नज़र रखते हैं, और जब देख लेते हैं कि वो पानी में ज़्यादा अंदर तक जा रहे हैं तो वो उनको बाहर आने का ऑर्डर देते हैं और बाहर बच्चों को आने के लिए बोलते हैं। यहाँ लोग फ़ोटो निकालते हैं, सेल्फी लेते हैं और कुछ लोग वीडियो भी बनाते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बैक कैमरे से चौपाटी का व्यूज़ दिखा रहा हूँ। चौपाटी का सीन आप देखिए, यहाँ मेरे बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आपको मज़ा आ रहा होगा देखने में। और आइए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ में गिरगांव चौपाटी और मज़ा कीजिए पानी के अंदर, और गिरगांव चौपाटी का मज़ा लीजिए आप। और यहाँ पर जिस तरीके से मैं यहाँ पर हूँ देख रहा हूँ, अपने आँखों से, नज़रों से, सारा इंटरेस्ट आप भी लीजिए, आप भी मज़ा करिए यहाँ पे। लेकिन मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि विदाउट मास्क यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैं फिर से बतला देता हूँ, जब कभी आप आइए पब्लिक प्लेस में तो मास्क आप ज़रूर लगाइए। तो देखिए चौपाटी का व्यू और आनंद लीजिए मेरे साथ। देखिए चौपाटी का क्राउड जो बिल्कुल ना के बराबर है। कोविड-19 चल रहा है इसलिए पब्लिक बहुत कम नज़र आ रही है आपको, नहीं तो ये चौपाटी पूरा भरा हुआ होता है लोगों से, लोग इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं यहाँ पे। लेकिन आज पब्लिक यहाँ पे कुछ कम नज़र आ रही है क्योंकि कोविड चल रहा है, मास्क लगा के आना कंपल्सरी है, इसलिए कुछ लोग, बहुत कम लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, सूरज किस तरीके से बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ है और धीरे धीरे से देखिए सूरज कैसे नीचे जा रहा है। आप देख सकते हो और उसका आनंद ले सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल अपनी आंखों से स्पष्ट देख रहा हूं कि सूरज धीरे धीरे बिल्डिंग के नीचे जा रहा है। और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे गिरगांव चौपाटी में। कल हम लोग गए थे बूट हाउस, जो कमला नेहरू पार्क है। ये बिल्डिंग देखो, मलबार हिल, वहीं की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही, जिसके पीछे ये सूरज धीरे धीरे से नीचे जा रहा है। तो देखा दोस्तों आपने जूस चौपाटी, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, जहाँ पे आप अगर चलते चलते देखते देखते थक जाएं तो आप यहाँ पे चाय नाश्ते का पूरा इंतज़ाम किया गया है, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का मुंबई का चौपाटी का फेमस चीज़ है पाव भाजी और वड़ा पाव का आप आनंद ले सकते हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे जितने स्टॉल्स हैं, यहाँ पर आपको नाश्ते की बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगा, चाय मिलेगी। लेकिन अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूं कि रात का ये चौपाटी का व्यू, चौपाटी का नज़ारा क्या है। तो दोस्तों देखा आपने गिरगांव चौपाटी, और मुझे कमेंट में बताइए कि गिरगांव चौपाटी का व्यूज आपको कैसे लगा और इसमें क्या चीज़ आपको अच्छा लगा है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के नए नए वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ। और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए दुनिया मेरे साथ में।